सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A6 2018 वेरियंट के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सैमसंग गैलेक्सी A6 और A6 प्लस का कुछ गीग बेंच में लीक निकल के सामने आ रही थी। तो अब इसे वाईफाई सर्टिफाइड ये मिल गया है, जिस तरह से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये वेरिएंट है सैमसंग गैलेक्सी A6 2018 का वेरिएंट। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इसमें आपको 18:9 वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा या फिर 16:9 वाला डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि 18:9 वाला डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इन्फिनिटी डिस्प्ले है, क्योंकि सैमसंग इस पर ए सीरीज में यही डिस्प्ले यूज़ किया है। सैमसंग गैलेक्सी A8 और A8 प्लस में आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो 90% चांस है कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A6 और A6 प्लस में 18:9 वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कुछ स्पेस भी इस फोन के बारे में निकल के सामने आ रही है, जो कि आज आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डिस्प्ले के तो कन्फर्म नहीं, लेकिन चिपसेट कौन सा मिलेगा ये कन्फर्म हो चुका है। सैमसंग गैलेक्सी A6 में आपको मिलेगा सैमसंग का खुद का चिपसेट एग्जिनोस का 7870 चिपसेट, जो चिपसेट आपको बहुत सारे सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। और जो A6 प्लस आएगा उसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट उसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड ओरियो के साथ आएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि 4 GB या फिर 3 GB रैम यहाँ पर आपको देखने को मिली तो ये मिलेगी। और ये एक बजट कैटेगरी का फ़ोन होगा। लगभग ये फ़ोन आपको पकड़ लीजिए Xiaomi के Redmi Note 5 Pro, Honor के 7X, ये फ़ोन को ये फ़ोन टक्कर देने वाला है। अब देखने वाली ये बात होगी कि ये फ़ोन कितना हद तक टक्कर दे पाएगा, क्योंकि आजकल तो 10 से 15 हज़ार के जो बजट है उसमें सिर्फ Xiaomi ही छाया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सैमसंग के ये दो स्मार्टफोन उन स्मार्टफोन को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं पाएगा। और अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन की लॉन्च डेट की, तो ये फ़ोन आपको अप्रैल में इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, अप्रैल में इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। और साथ में सैमसंग गैलेक्सी J8 प्लस को भी और J8 को भी अप्रैल में इसी के साथ लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, आपको चैनल में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड लोगों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। थैंक यू।